गौतम बुद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महान संत थे। उन्होंने संसार को एक नई दृष्टि से देखा और उसके लिए एक नई शिक्षा प्रणाली विकसित की। उनकी शिक्षाओं ने बहुत से लोगों को धर्म से जोड़ा और उनके जीवन में सुख लाया। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और वे नेपाली राजकुमार थे। उन्होंने अपने राज को त्याग दिया और संयम और त्याग के रास्ते पर चलते हुए बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण किया। अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय में मुख्य धर्म के प्रवर्तक रहे। उन्होंने बुद्ध धर्म का विकास किया जो एक आध्यात्मिक धर्म है और संपूर्ण मानवता के लिए लाभदायक है। उनकी शिक्षाएं जीवन की जंजीरों से मुक्ति प्रदान करती हैं। वे शांति और समझ का प्रचार करते हैं जो सभी के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। उनकी शिक्षाओं में अहिंसा, सत्य, अपर तीन महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। अहिंसा वह धर्म है जो हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए समझाता है। सत्य वह धर्म है जो हमें सत्य के पीछे जाने की दृष्टि से देखने के लिए समझाता है। अपर वह धर्म है जो हमें धर्म की प्रकृति और मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होने वाले समस्याओं के बारे में समझाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनकी जीवन दृष्टि आध्यात्मिकता और मन के शांति को प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच समाज के बेहतर होने की उत्सुकता को जागृत करती है। उन्होंने संसार को एक नए समझौते के साथ देखा और उसके लिए एक नई शिक्षा प्रणाली विकसित की। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अता ही यत्ना सुखम, ज्ञाता ही ज्ञानमुत्मम, दुर्नीतितु दुर्बुद्धिस्तु, दुराचारो ही दुर्लभम। आत्मा ही सुख है, ज्ञानी ही उत्तम ज्ञान है, बुरी मति और बुरा आचरण बहुत दुर्लभ है। इस श्लोक में गौतम बुद्ध ने बताया है कि आत्मा ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है और ज्ञान का सबसे उत्तम स्तर उसे जानने वाले के लिए है। उन्होंने बुरी मति और बुरा आचरण को दुर्लभ माना है, जो हमें भ्रष्ट बनाते हैं और दुख पहुँचाते हैं।